जब हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है या थायराइड की ग्रंथि की कार्य क्षमता थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, तब यह स्थिति हाइपोथायरॉयडिज्म को जन्म देती है और इस स्थिति में हमारे शरीर का वजन और मोटापा तेजी से बढ़ने लगता है। इसलिए ऐसी स्थिति में घरेलू नुस्खों के साथ डाइट पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिनको खाने से थायराइड की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन करने से आपका वजन भी घटेगा और आप समय के साथ साथ थायराइड की प्रॉब्लम को पूरी तरह खत्म भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें आप थायराइड में खा सकते हैं और साथ ही इनकी मदद से आपका थायराइड लेवल बहुत तेजी से इम्प्रूव होगा। अच्छे परिणाम पाने के लिए थायराइड में लिए जाने वाले भोजन में 30% सलाद, 30% उबला हुआ खाना और 40% मुख्य भोजन, इस अनुपात में अगर खाना खाया जाए तो थायराइड को आसानी से कंट्रोल में रखा जा सकता है। सलाद के लिए प्याज, खीरा, गाजर और स्प्राउट का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। प्याज हमारे खून को साफ करता है, साथ ही गाजर में जिंक और विटामिन ए पाया जाता है जो कि थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए गाजर का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा स्प्राउट यानी कि अंकुरित आहार के लिए आप चने और दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद में अंकुरित आहार खाने से यह हमें ताकत प्रदान करता है जिससे दिन भर में हमें कम थकान महसूस होती है। लेकिन स्प्राउट्स को कच्चा ना खाएं, खाने से पहले उन्हें गर्म पानी में 5 मिनट के लिए बॉईल कर लें। इसके अलावा आप आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू को अगर उबाल लिया जाए तो यह मोटापा नहीं करता है और इसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है जिससे हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। इसके अलावा शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो और ग्वार फली को भी उबाल कर खाया जा सकता है। दिन के मुख्य भोजन में ज्यादा से ज्यादा फलीदार सब्जियों का इस्तेमाल करें। फली वाली सब्जियों में जिंक और आयरन की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें प्रोटीन के साथ साथ सिलीनियम भी अधिक होता है जो कि थायराइड के लिए एक बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है। इसके अलावा मेन मील में ब्राउन राइस और दालों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी हमारे शरीर को अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है और हमारी चर्बी भी नहीं बढ़ती है जिससे हमारा शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा थायराइड में विटामिन बी का भी इंटेक होना बहुत जरूरी होता है जिसके लिए दही और दूध का इस्तेमाल अधिक किया जाना चाहिए। 1 कप या 1 कटोरी दही में 88 माइक्रोग्राम्स आयोडीन होता है जो कि थायराइड की बीमारी में रोजाना आयोडीन की जरूरत को काफी अच्छे से पूरा कर सकता है। साथ ही दूध और दही दोनों में ही सिलेनियम, प्रोटीन और विटामिन बी पाया जाता है जो हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन्स की वृद्धि करता है। इसलिए रोजाना दिन में 1 से 2 कप दही का सेवन जरूर करें। अगर आप नॉनवेज खा सकते हैं तो थायराइड में फिश यानी कि मछली का सेवन सबसे ज्यादा असरदार होता है और डॉक्टर्स भी इसकी सलाह देते हैं क्योंकि फिश में ओमेगा-3 फैटी एसिड और सिलेनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि थायराइड के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व होता है। इसके अलावा अंडे का भी सेवन किया जा सकता है। अंडे में विटामिन बी और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जो कि हमारे शरीर में हार्मोन्स के बैलेंस को बनाए रखने में मदद करती है, इसलिए डिनर या लंच में फिश और अंडा जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा थायराइड में ड्राई फ्रूट का सेवन भी अधिक करना चाहिए। ड्राई फ्रूट में वॉलनट यानी कि अखरोट का इस्तेमाल सबसे अच्छा होता है। अखरोट हमारे दिमाग की सेहत को अच्छा बना के रखता है जिसकी वजह से टेंशन और स्ट्रेस का लेवल भी कम होता है और इस कारण हमारी थायराइड की ग्रंथि अच्छी तरह काम कर पाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में फलों का सेवन भी अधिक करना चाहिए। सेब, पाइनएप्पल, अनार और खरबूज का रोजाना सेवन करना बहुत फायदेमंद सिद्ध होता है। खरबूज के अंदर अधिक मात्रा में पोटेशियम होता है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म में तेजी से इम्प्रूवमेंट लाता है। इसके अलावा अनार के अंदर विटामिन ए, बी और सी पाया जाता है। साथ ही इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज थायराइड में बहुत ज्यादा लाभकारी होती है, इसलिए रोजाना सुबह या शाम अनार और खरबूज का सेवन जरूर करें। इसके अलावा जूस पीना भी थायराइड में बहुत फायदेमंद होता है। ऑरेंज, अंगूर, पाइनएप्पल और गाजर का जूस जिन लोगों को भी थायराइड है उन्हें दिन में कम से कम 2 बार जरूर लेना चाहिए। इससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और साथ ही हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी को भी दूर करता है। हाइपोथायराइड होने पर हमारे शरीर का वजन बढ़ने लगता है, इसलिए हमें हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए अदरक, व्हीट ग्रास जूस और ग्रीन टी, यह तीनों ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं।
अदरक के अंदर मैग्नीशियम, जिंक और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे हमारा थायराइड लेवल कंट्रोल में रहता है। और साथ ही अगर गले में किसी तरह की सूजन हो गई हो तो उसके लिए भी अदरक बहुत लाभकारी होता है। इसलिए रोजाना अदरक को उबाल कर उसका पानी पीना चाहिए और साथ ही खाने में भी अदरक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके अलावा वीट ग्रास जूस हमारे शरीर में मौजूद विषैले पदार्थों को बाहर निकाल कर बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है, जो कि हमारे वजन को बढ़ने से रोकता है। और ग्रीन टी में पाई जाने वाली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हमें दिन भर एनर्जी प्रदान करने के साथ साथ हमारे शरीर में जमी हुई चर्बी को भी खत्म करती है। इसलिए रोजाना चाय या कॉफी की जगह 2 से 3 कप ग्रीन टी पिए और हफ्ते में कम से कम 3 बार खाली पेट वीट ग्रास जूस का सेवन करें। इन सारी चीजों के साथ थायराइड में हमारे शरीर को साबुत अनाज की भी जरूरत होती है। साबुत अनाज के लिए ओट्स का इस्तेमाल सबसे बेहतर होता है। ओट मील के अंदर फाइबर, विटामिन और सिलेनियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से शरीर में चर्बी जमा नहीं होती है और साथ ही हमारा थायराइड लेवल भी कंट्रोल रहता है। थायराइड में नारियल के तेल का सेवन भी बहुत लाभकारी होता है। नारियल का तेल मोटापा नहीं करता और इससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होता है, इसलिए डॉक्टर्स भी नारियल के तेल का सेवन करने की सलाह देते हैं। नारियल के तेल का इस्तेमाल खाना पकाने में या खाने के साथ मिलाकर भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से इन सारी चीजों को मिलाकर सुबह से लेकर शाम तक के लिए आप एक इफेक्टिव डाइट प्लान बना सकते हैं, जो कि थायराइड लेवल को इम्प्रूव करने के साथ साथ वजन घटाने में भी आपकी मदद करेगा। इसके अलावा दिन भर में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, क्योंकि पानी पीते रहने से शरीर में जमा टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहते हैं और भूख कम लगने के साथ साथ वजन कम करने में भी यह हमें फायदा पहुंचाता है। इसके साथ ही कोशिश करें कि रोजाना एक समय एक्सरसाइज के लिए अलग से जरूर निकालें। ऐसा करने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रांग होता है, जिससे दिन भर में खाई गई दवाइयां और पोषक तत्व हमारे शरीर में पूरी तरह अवशोषित हो पाते हैं। एक्सरसाइज करने से किसी भी बीमारी को ठीक करने में कम समय लगता है, इसलिए रोजाना सुबह एक्सरसाइज जरूर करें। जिन लोगों को भी थायराइड होता है उन्हें दिमागी रूप से भी स्वस्थ रहने की बहुत जरूरत होती है, इसलिए ऐसी स्थितियों से दूर रहे जिनसे आपके दिमाग पर स्ट्रेस आता हो, क्योंकि टेंशन और स्ट्रेस लेने से थायराइड की प्रॉब्लम और अधिक बढ़ जाती है और सारी ली गई दवाई और नुस्खे बेअसर हो सकते हैं। इसलिए कम से कम स्ट्रेस लेकर ज्यादा से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करें। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और किसी भी तरह का सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। आगे भी इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।